एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एज यूजुअल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और पूरा दिन में मुझे हमेशा नींद आता ही रहता है। और अभी तो इवनिंग हो गई, इवनिंग भी नहीं बोल सकते, 8 o'clock हो रहा है। अभी ही मैं ब्लॉग शुरू करूँ, क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेकर अभी तक मैं बिजी ही थी। फ़ोन लेकर नींद भी आता है, बात करने का मन नहीं करता। फिर सोचा कि नहीं नहीं, बहुत दिन हो गया है, एक वीडियो छोड़ना ही है। मोस्टली मैंने क्या प्लान किया है कि मैं शॉर्ट्स छोड़ूंगी हर रोज़, 1 और 2 शॉर्ट्स, और वीकली 1 or 2 मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसको मैं अपडेट पोस्ट करूंगी, क्योंकि हर रोज़ मुझसे नहीं हो रहा है। लास्ट 3 दिन से बहुत ही सर दर्द हो रहा है, आज भी थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, ये वाली जगह पर थोड़ा सर दर्द हो रहा है। पर फिर भी ओके, कुछ तो बनता है, फैमिली से कनेक्ट होने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। और ये देखो, इतना सारा कपड़ा पड़ा है, इसे अभी फोल्ड करना है। और अभी किचन में मैं थोड़ा सा काम कर, उसको सुला के मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, फिर से एज यूजुअल को उठ गया, उसे लेके मैंने अभी यहाँ पे लेके आके फ्लोर में थोड़ा सा सुलाया है। थोड़ा सा फ्लोर में भी सुलाना चाहिए दिन में, हमेशा बेड में और क्रेडल में नहीं सुलाना चाहिए। बच्चे को फ्लोर में भी कुछ देर के लिए छोड़ना चाहिए, मतलब हार्ड सर्फेस, हार्ड और फ्लैट सर्फेस में कुछ देर के लिए भी बच्चे को छोड़ना चाहिए। उसका बॉटल थोड़ा सा बॉयल कर रही हूँ, आई थिंक 1-2 मिनट हो गया, मैं अभी बंद कर दूँगी। लेके जा रही हूँ मैं अभी किचन में। मोस्टली मैं दूध, मतलब बॉटल में फॉर्मूला जो है, मैं दिन में 1 ही 1 बार पिला रही हूँ, वो भी कुछ दिन पहले से शुरू किया है, क्योंकि उसको भूख नहीं मिट रहा है, मुझे बार बार भूख लग रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ओके चलो, तो बाहर जाने में भी हेल्प हो जाएगा। अभी इज इन 4 मंथ्स, तो थोड़ा सा एक दिन में 1 ही 1 बार मैं उसे पिला के बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मोर बॉटल में मैं नहीं पिलाती मोस्टली, थोड़ा सा पिलाती हूँ ताकि देखती हूँ कि वो पी रहा है कि नहीं। मैं वैसे बहुत ही डिस्टर्ब करता है, बहुत ही चिल्लाता है। नॉर्मली मैं कटोरी में डाल के जो स्पून से खिलाता ना, उससे मैं पिलाती हूँ। बहुत 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 चिल्लाता है, सब लोग आता है नीचे। आज थोड़ा सा बॉटल से पिलाया, कल भी थोड़ा सा बॉटल से पिलाया, प्रैक्टिस के लिए मैं उसे थोड़ा सा बॉटल में पिला रही हूँ, ताकि हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा। हर जगह पे तो ब्रेस्टफीड नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करना, एक दिन में 1 ही 1 बार मैं उसे पिलाती हूँ। और थोड़ा सा पेट भरता है तो सोता है, पर वैसे पूरे दिन में वो ज़्यादा देर तक सोता ही नहीं है, रात को जाके ही सोता है ज़्यादा, मतलब 1 स्ट्रेच लंबा। मैंने इडली बनाया, अरे ऐसा अभी बना दिया है, वो रात को 3 o'clock आके होता है, खोल भी नहीं रहा है। पर इडली बैटर है, वो मैंने कल बनाया था, उसका एक शॉर्ट्स बनाया है, उसको मैं पोस्ट करूँगी। और अभी मैं अपने लिए, मैंने बर्तन वर्तन पूरा धो दिया है, थोड़ा सा आँख बंद करके उसके बाद सो रही थी, क्योंकि वो सो रहा था। तो इसीलिए जब वो उठ के आया, तभी मैंने सोचा कि ओके चलो उसे थोड़ा सा रख के मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और किचन में थोड़ा सा काम है, और उसका कपड़ा धोना है, ये काम है। और इतना सारा कपड़ा तो वहाँ पर पड़ा ही है, उसको फोल्ड करना है। और अभी एनीवे, अभी चलो ये किचन का काम थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा अभी कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि सर दर्द हो रहा है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं भी पीना चाहिए, थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत ही नहीं पीऊँगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये वाला कॉफ़ी के लिए रखा है, क्योंकि अलग बर्तन इसीलिए, क्योंकि मैं फ़िल्टर कॉफ़ी बनाती हूँ, जो इसमें डाल के बंद करके रखना पड़ता है। एक साथ करूँगी तो वैसे ही मुझे दोबारा बर्तन लेना पड़ेगा, इसीलिए अलग से ही कॉफ़ी के लिए बना दूध गर्म। मैंने इन दोनों को लटका के इसे रखा है, हर रोज़ यहाँ पे लटका के रखते हो, जब भी मैं उसे नीचे सुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो देखता रहता है, तो मैं वो बिजी रहता है, मैं थोड़ा सा बीच में जो भी थोड़ा बहुत काम है उसे कर लेती हूँ, इसलिए इसे लटका के बीच बीच में आके इसका झूला के रहती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा देखता रहे और एंटरटेन होता रहे। सारे अलग अलग सेगमेंट के कपड़े हैं, मोस्टली ये सब जो है दादी और नानी का साड़ी ही है। और ये जो है वो मेरे मम्मी ने बना के दिया है, ये मोटा, मतलब बहुत पूरा कॉटन से इसे ऐसे रख के इसे सिलते हैं। तो ये मोस्टली जब उसे डायपर पहनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ, और नहीं तो जब फ्लोर में सुलाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और ये तो उसका 2 शर्ट है, ये है सुपर बॉटम ड्राई सी लंगोट, और ये समथिंग इसके अंदर एक पैड जैसा चीज़ है जो इसके अंदर घुसाया जाता है। ये दोनों जब डायपर नहीं पहनाते हो तब मोस्टली पहनाते हो, और जब किसी के पास ज़्यादा तब पहनाते हो। और ये तो
नॉर्मल टाइम में सोने के लिए यूज होता है, और ये तो थोड़ा टॉवल्स है, और ये भी है वो दादी वजाने के कपड़े में से छोटा सा पीस जो उसका मुंह साफ करने में मोस्टली काम आता है। फिल्टर कॉफी रेडी है, उसके साथ मैं थोड़ा सा ये पर फ्राइज भी खाऊंगी। अरे ये उठ के खा जा रहा है। अभी जूनियर का ऑयल मसाज का टाइम हो गया है। रात को एक्चुअली मैं कॉलिक मसाज करती हूँ, जिसको जिससे मतलब मैं उसको बूढ़ी मसाज करती हूँ, तो पेट में थोड़ा ज़्यादा मसाज जाके जो गैस वैस वगैरह है, और अगर बच्चे लोगों को गैस ज़्यादा होता है राइट, पेट दर्द का प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों को, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलरली रात को जो है वो मसाज देती हूँ, ताकि वो रात को अच्छे से सोए। और सुबह उठ के मैं नॉर्मल पूरा का पूरा फुल बॉडी मसाज देती हूँ। अगर किसी को कॉलिक मसाज क्या है, कैसे करना है, वो जानना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बहुत ही इफेक्टिव मसाज है सच में, मैं बोल रही हूँ। पेट दर्द से बच्चा बहुत ही रिलीफ फील करेगा, उसको क्या उस पेट में जो गैस होता है वो बहुत कम होगा, और बहुत ही हेल्दी बनेगा, और खाना जो है बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो अभी रात को मैं मोस्टली इससे मसाज करती हूँ, और हेयर ऑयल भी मैं रात को ही डाल के रखती हूँ। ये दोनों ही हिमालय का है, छोटा वाला जो बॉक्स खत्म हो गया, ये वाला नया लिया है ये भी खत्म होने के से लेना पड़ेगा। और सुबह मैं मस्टर्ड ऑयल से मोस्टली करती हूँ बॉडी मसाज, और मोस्टली क्या करती हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल से सुबह चेस्ट और पीठ बैक में और पैर के नीचे मैं मस्टर्ड ऑयल से मसाज करती हूँ। और अगर पहले दिन बारिश बड़ी हो तो पूरा बॉडी मैं मस्टर्ड ऑयल से मसाज करती हूँ, नहीं तो कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके तही तो मैं देखती हूँ ऐसे करके मैं मसाज करती हूँ। तो अभी मैं इसका मसाज खत्म करूँगी, मसाज करके फिर उसको गर्म पानी से थोड़ा सा नहला दूंगा, पानी बॉडी में थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको सुला दूंगा, अच्छे से सो जाता है पूरे रात। मतलब रात ही एक टाइम है जो इसको ये अच्छे से कंटिन्यूसली सोता है, पर हमेशा जल्दी नहीं सोता, 11:30 कभी कभी 11 o'clock कभी 2 o'clock तक सोता है, पर अभी जो सोता है तो वो जाकर सुबह ही उठता है, बीच में थोड़ा सा उठता है बस। मैंने पहले ही बोला है मैं ये हेयर ऑयल भी रात को ही लगा लेती हूँ, अच्छे से पूरे हेयर में रक्त बच्चे ना तो मत करो, अच्छे से पूरे हेयर में ऑयल लगा देती हूँ ताकि अब बैठ जाता है, क्योंकि सुबह ना उसे ऑयल डाल के तुरंत 10-15 मिनट भी सही अगर रख के नहाओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो सर पे वो ऑयल बैठता नहीं है, इसीलिए मैं इसे रात को ही ऑयल डाल के रख देती हूँ, और सुबह ऑयल नहीं डालती, इसे नहला देती हूँ बॉडी मसाज करके, ऑयल मसाज करके ऐसे नहला देती हूँ। उसे सुला के आके अभी मैं कुछ देर यहाँ पे बैठे हुई थी, मतलब आँख बंद करके बैठना नहीं बोल सकती, जो भी है ऐसे थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी। नॉर्मली क्या होता है वो ऑयल मसाज करने के बाद ना नींद के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से फील करता है, सोना है वाला चीज़, तो नहना देने से जल्दी से सो जाता है। तो आज मैंने वैसा ही किया, आज मैंने ऑयल मसाज करके 10 मिनट ऐसे रख के उसे नहला दिया ताकि वो जल्दी से सो जाए। तो बीच में अगर 10-15 मिनट सोएगा ना तो दोबारा उसको इसके बाद मतलब नहाना आने के बाद दोबारा थोड़ा सा टाइम लगेगा सोने में। तो आज मैंने डायरेक्ट ऑयल मसाज करके 10 मिनट रख के नहला के पूरा सुला दिया है। अभी मैं बाकी का काम खत्म करूँगी जो पड़ा हुआ है, जैसे कि वे के लिए मैं चटनी बनाऊँगी, इतने तो बना दिया है, और किचन को थोड़ा साफ करके और गंदा कपड़ा साफ करके नहा के आ जाऊँगी। हाँ पोछा भी लगाना था, पोछा लगा के, और कुछ तो बाकी नहीं है। हाँ आज तो जल्दी सब कुछ हो गया। हाँ खाना बाकी है, मैंने तो अभी तक खाया ही नहीं। हाँ मैंने खा के फिर ये सब काम करूँगी, फिर जाके थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी। और आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि उठ गया क्या? नहीं उठा, मुझे ऐसा ही फील होता है, वो जब भी सुला के आती हूँ तब भी लगता है उठ गया, कुछ भी थोड़ा बड़ा साउंड सुना दिया तो ऐसा लगता है कि वो उठ गया है करके। तो हाँ जो मैं बोल रही थी, मैं ऐसे ही यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना मैं पूरा दिन का व्लॉग बना के मैं एक ही दिन में मैं एक ही वीडियो में शेयर नहीं कर सकती, इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर मी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब दिन का थोड़ा थोड़ा सा उसे क्या बोलूँ, थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट लेके ही मैं शेयर कर सकती हूँ। तो जो भी है आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। हाँ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब मैंने सोचा कि ये डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगा कि क्या क्या आपको आप यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी आपके बेबी का है वो जो क्या चीज़ आपको टोटली अलग रखना चाहिए, आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो ही मैं वो लेके आऊंगी, और अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब करना मैं बोलने जा रही हूँ, सब्सक्राइब करना जरूर भूलना, नहीं भूलना।
जाने से पहले वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसके साथ अच्छे से लड़ाई करके फिर जाना, और हो सके तो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक करके जाना, और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे दबा के जाना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। ओके बाय।